तो ये दो भाई हैं जो यात्रा पे निकले हैं। कहाँ से? गुजरात से निकले हुआ। हाँ, ये मुझे मिले हैं बर्मशोर कुरुक्षेत्र पे। अभी मैं मॉर्निंग वॉक पे आया था यहाँ पे, और ये अपने बारे में बताएंगे क्योंकि ये भी ट्रैवलर हैं, और हमें जो साइकिल ट्रैवलिंग है, जो साइकिल से ट्रैवल करते हैं, हमें प्रमोट करना चाहिए इन ऐसे भाइयों को जिन्होंने ऐसी हिम्मत की है साइकिल पे निकलने की। लोग तो बाइक और कारें होने के बावजूद भी अपने घरों से नहीं निकलते। तो आपका नाम क्या है मित्र? जी सर, मेरा नाम अक्षय पटेल है और मैं गुजरात का रहने वाला हूँ। ओके, तो आपने कब ये अपनी यात्रा शुरू की थी? ये हमने 12 फरवरी को चालू किया था। आज हमारा 52 डे हो गया है। गुजरात राज्य पूरा कंप्लीट हो गया, राजस्थान हो गया, अभी हरियाणा में है कुरुक्षेत्र में। अच्छा, और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन कौन से आपके जो आपको कंप्लीट करने हैं? नेक्स्ट अभी हमारा है, इसके बाद पंजाब जाएंगे, जम्मू लद्दाख जाने वाले। पंजाब के बाद जम्मू लद्दाख, ये हो रहा है। लगभग आपको क्या लगता है कितना टाइम लग जाएगा? ये हमारा पूरा जर्नी खत्म होने में तो 15-16 महीना तो लग जाएगा। अच्छा अच्छा, मतलब आप फर्स्ट टाइम निकले हो या फिर इससे पहले भी आपका कोई एक्सपीरियंस है? ये हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस भी है और फर्स्ट टाइम निकले हो। फर्स्ट टाइम निकले हैं, तो इंस्पायर्ड किससे हुए? किसी यूट्यूबर से, किसी ट्रैवलर से, या स्वेच्छा से ही कुछ? अपने। अच्छा, तो आर्मी के सम्मान में, मतलब ये हमने एक सफर शुरू किया है आर्मी के सम्मान में। हाँ, ये देखिए, जैसा कि आपके यहाँ दिख भी रहा है हमें ना, ये आर्मी का आपने वो लगा रखा है। ये अक्षय पटेल का ये चैनल भी है, यूट्यूब पे भी है, इंस्टा पे भी है ये, ठीक है। और इन्होंने अपना चैनल शुरू ही किया है हमारी तरह। ये साथ में आपके दोस्त हैं या? नहीं भाई, ये दोस्त है मेरा। अच्छा, सेम जगह से हैं आप लोग। तो कैसे मेंटेन करते हैं फिर आप, मतलब रहने का, खाने का, इस तरीके से? रहने का तो यही है, मंदिर है, आश्रम है, गुरुद्वारा है, वहीं पे स्टे कर लेते हैं। और खाने का तो पब्लिक थोड़ा सपोर्ट कर लेती है, थोड़ा कर लेती है। अच्छा अच्छा, तो कहने का मतलब कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं आती है आपको? अभी तक तो कोई ऐसी दिक्कत आई नहीं है। नहीं आई। हाँ, तो कहने का मतलब कुछ लोग है ना हिम्मत ही नहीं करते इसलिए कि ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे, ज्यादा खर्च आएगा। तो आप कह रहे हो कि कोई ऐसा है नहीं खर्च वाली बात इतनी बड़ी, उसे निकलने की हिम्मत की जरूरत है कि लोग घर से निकले। हाँ, ये जब निकले, जब निकले तो हमको ये नहीं पता था मतलब लोग सपोर्ट करेंगे। हम बस निकल गए अपने दम पे, मतलब कि कितना खर्चा होगा, जो खर्चा होगा हम इधर उधर से मांग के, किसी अपने घर से मांग के, किसी अपने भाई से मांग के कर लेंगे। हमको ये नहीं पता था कि मतलब निकलने के बाद पब्लिक भी सपोर्ट करेंगे। जैसे अपने घर के बाहर निकले, 10 किलोमीटर बाहर ही गए अपने घर से, तो वहीं से मतलब पब्लिक सपोर्ट मिलने चालू हो गया। और फिर अपने को लगा कि मतलब ये सिर्फ में अपने दम पे निकल गए थे। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि अवेयरनेस है ट्रैवलिंग को लेके लोगों में, तो सपोर्ट करते हैं कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि यूट्यूब पे इतना ज्यादा वो हो चुका है इस चीज को लेके, सपोर्ट वही तो बहुत ज्यादा है हमारे, मतलब 100% में जो है ना 10% अपना लग रहा है, 90% पब्लिक सपोर्ट कर रही है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपका क्या उद्देश्य है मतलब यात्रा? मेरा उद्देश्य तो, मैं सबसे पहले तो जय हिंद जय भारत, मेरा नाम राहुल है और जो है हम कर रहे हैं भारत में साइकिल यात्रा। और ये साइकिल यात्रा हम कर रहे हैं अपने आर्मी के सम्मान में, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम कर रहे हैं। और जो ज्योतिर्लिंग हो गया अभी हमारा, और 3 राज्य हो चुका है अभी हरियाणा में, तो अभी हमारा बाकी अभी बाकी सब राज्य बाकी है, जो कि अपने को कम से कम 13-14 महीने लगने वाला है 12 ज्योतिर्लिंग करने का है आपको भी। 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम, जो कि हम आर्मी के, हमारा भी वही टारगेट है, आर्मी के सम्मान में कर रहे हैं, आर्मी के सम्मान में कर रहे हैं आप। हाँ, वो फ्लैग देखिए, ये हमारी पूरी जितनी जर्नी है सब आर्मी के नाम पे ही है, आर्मी के नाम से है। वेरी गुड वेरी गुड। और आपका वो क्या है, बैकग्राउंड क्या है वैसे? आप स्टडी स्टूडेंट्स हो ना? हम जॉब कर रहे थे। अच्छा, हम दोनों साथ में ही जॉब कर रहे थे, ठीक है। तो वहीं से हम लोगों ने ये आइडिया थोड़ा आया और हम लोगों ने प्लान बनाया। तो जॉब तो क्विट करना होगा, छोड़ना पड़ा होगा, या फिर जॉब छोड़ दिया? जॉब छोड़ना ही पड़ा होगा, इतने दिन की छुट्टी कौन देने लगा। लेकिन सेटिस्फाइड हो, कोई रिग्रेट तो नहीं है, कोई आपको वो दुख तो नहीं है जॉब छोड़ने का? आपको बताएं कि मतलब हम जो है ना, हमारा भी दिल में था कि आर्मी बनने का, लेकिन किसी कारण हम नहीं जा पाए, नहीं कर पाए। और जो कि हम नहीं कर पाए, देश के लिए करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन बाद में सोचे कि मतलब चलो देश के लिए नहीं तो आर्मी के लिए तो कुछ कर ले, तो बाद में ऐसे आइडिया आते आते मतलब बाद में आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ नहीं कर सकते तो अपने आर्मी के सम्मान में तो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, सम्मान बना रहे जो भी है सब कुछ उसके लिए तो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पूरा जीवन के जितना भी हमारी जीवन है उसमें से 2 साल जो है कि हम आर्मी के नाम करते हैं, आर्मी के नाम। बाकी अपने को कोई दिक्कत नहीं है कि मतलब कुछ हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसा कुछ नुकसान नहीं है। हमको बहुत ही मतलब नॉलेज मिल रही है और बहुत लोग मतलब देख रहे हैं, बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। तो जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, उन्हें लगता है कि भाई पेट्रोल गाड़ी बाइक, उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे आप पहले? ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिया ना, इंडिया मतलब ऐसा ही नहीं है, सब बोलते हैं मतलब सच बोलते हैं, इंडिया का मतलब हमेशा बहुत अच्छे लोग। आप फ्री में ऐसे भी निकल जाओ, लोग आपको भूखे रहने ही नहीं देंगे, ऐसा इंडिया है बिल्कुल। मतलब
आप निकल जाओ बिंदास, कुछ नहीं है, इसमें कुछ पैसा नहीं लगने वाला। अभी तक हमारा, आज हमारा 51 दिन हो गया, हमारा खर्चा हुआ है ज्यादा से ज्यादा 1500 रुपया। अच्छा अच्छा, 51 दिन वो भी 4200 किलोमीटर हो गया, क्योंकि हमारा अभी बस 1500 रुपए ही खर्चा हुआ है। कैसे खर्चा हुआ है? क्योंकि पब्लिक सपोर्ट कर रही है। कितने दिन में हुआ है इतना खर्चा? 51 दिन में बहुत बड़ी बात है। हाँ, 2 महीना हो गया, अब रुकने खर्चा नहीं हुआ, और अभी तक हमारे भी पास पैसा भी नहीं रखे हमने। अच्छा अच्छा, नहीं रखे क्योंकि पैसे की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं तो विदाउट मनी निकला था, मेरे पास 1 रुपया नहीं था घर से। अच्छा, भाई के पास आप 1400-1500 रुपए लेके निकले? अच्छा अच्छा, भाई के पास ही थे मेरे पास। लेकिन अब आप लोगों को लग नहीं रहा है कि ये थोड़े हैं? नहीं, पैसे का तो हम लोगों के दिमाग में आता ही नहीं है। 3 महीने काम हो जाता है कहीं ना कहीं से, लेकिन कुछ लोग घर से निकल नहीं पाते डर से। ये मतलब आप खाना खाना चाहिए, मतलब भूख लगी है, सच बोल रहा हूँ। 10 या 15 मिनट 5 मिनट में कोई ना कोई हमारे पास आ जाता है और खाना खिलाने के लिए लेके चला जाता है। मतलब कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, पैसा के मामले में हो, कोई सामान के मामले में हो, हम बस सोचते हैं और 10 या 15 मिनट में वो काम हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा है। मतलब अपने का पूरा मतलब सच्चे मन से निकल जाना तो भगवान भी तुम्हारे साथ है और हमारे साथ है, हमने फील किया है वो चीज। नहीं नहीं बिल्कुल, मतलब एक ही शहर में पैदा होना और वहीं पे खा पी के मर जाना, ये कोई जिंदगी नहीं है, है ना। मैं भी ट्रैवलर हूँ तो मैं इस चीज को समझ सकता हूँ कि भाई जब तक आपने, आप भारतीय कहलाने का हक सही मायने में आपको तब मिलता है जब आप पूरे भारत में घूम के देख लेते हो, चप्पे चप्पे में जाके पूरे भारत को ना सही लेकिन मुख्य मुख्य जो भी है हमारे, जैसा आपने बताया 12 ज्योतिर्लिंग है हमारे, है ना। इसके लिए हम जो है ये जर्नी चालू किया, क्योंकि अगर आप मान लो, अगर ये जर्नी करने के बाद भी अगर हमारी बाई चांस डेट भी हो जाती है तो अपने को ये वो नहीं रहेगा अफसोस की मतलब जिए नहीं, जिए नहीं कुछ, पूरे इंडिया घूम लिए, पूरा इंडिया घूम लिए, लेकिन पूरा इंडिया देख लिए। एक ही कोने में पैदा होना और वहीं पे मर जाना, है ना। और जबकि धन की भी समस्या नहीं होती, लेकिन आप लोगों को तो ऐसा भी नहीं है कि कोई धन का बैकअप हो, कोई आप ढेर पे बैठे हो धन के, वो भी आपका कोई वो है नहीं, है ना। आपने जॉब छोड़ी है, ठीक है ना, छोड़ दिया अभी, बस यही है। 2 साल जो है जितना भी अपनी जिंदगी है, मतलब कुछ लोग आर्मी के नाम कर, कुछ लोग डराते हैं कि भाई अरे एक बार निकल जाओगे बाद में पता लगेगा, है ना, कुछ भी नहीं। हाँ, वो आपका ये है कि आप फुली सेटिस्फाइड हो अभी तक। नेगेटिव बोले तो कोई बोलता भी है ना, अपने को कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हमारे दिमाग में घुसता ही नहीं, हमने जो फील कर चुके हैं बाहर निकलने का। ठीक है ठीक है। अक्षय, आप कुछ कहना चाहोगे? आपका कोई मैसेज उन भाइयों के लिए जो प्लान कर रहे हैं अभी ट्रैवल के लिए? ट्रैवल के लिए, हाँ, वो भी साइकिल से, क्योंकि हमारा भी प्लान था, अभी हम दक्षिण भारत किया है, हम कार से या बाइक से या फ्लाइट से या ट्रेन से ऐसे कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर हमारा भी है कि हम भी वो करें। तो अन्य जो हमारे व्यूअर हैं, जो भाई हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में है कि भाई वो भी निकले 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 बट किसी डर से नहीं निकल पाते, तो उन लोगों को क्या आपका मैसेज है? कि मैसेज तो यही है कि साइकिल से करो या बाइक से करो, ट्रैवल का तो मजा आता ही है ट्रैवल, एक बार निकल जाने से। ऐसे प्लान बनाओगे तो प्लान तो बनाते ही रह जाओगे, एक बार बना के बस निकल जाओ। साइकिल हो या बाइक हो, एक बार निकल जाओ तो बहुत ही मजा आता है। निकलने के बाद बहुत ही लोगों का सपोर्ट मिलता है, और इंडिया तो है ही अपना, सब जानते हैं, तो काफी सपोर्टिव है, सभी लोग सपोर्टिव होते हैं। और कुरुक्षेत्र में आके आपको कैसा लग रहा है? यहाँ पे कुछ अभी तक विजिट किया आपने कुरुक्षेत्र में? भद्रकाली मंदिर, भद्रकाली होके आए हो? अच्छा अच्छा, ज्योति सर नहीं गए होगे अभी? नहीं, अभी नहीं गए, तो कल ही आए हैं, तो अच्छा पूरा दिन निकल गया था वहीं पे, और अभी घूमेंगे सर। और आप हमारे सब्सक्राइबर भी बन गए हो हैमर गुरु जी के, ठीक है ना। आपने बट देखा होगा कहीं आपने, बट हमारा भी ज्यादा बड़ा चैनल नहीं है मतलब, लेकिन हमारा भी यही प्रयास है ट्रैवलिंग को प्रमोट करना, तीर्थों को प्रमोट करना, जितने भी वो है, क्योंकि मैं देखता हूँ वीडियोस वगैरह तीर्थों को लेके या अपने भारतीय उसको लेके, अभी बाली का बना रहे हैं, कोई कहीं का ब्लॉग बन रहे हैं, बट मतलब बुरा नहीं है, बाहर भी जाना चाहिए, बट क्या है कि अपना ही घर हमने एक्सप्लोर नहीं किया अभी से, है ना। अपने तो घर के कमरों का हमें पता नहीं है कहाँ क्या कुछ है, और हम मतलब बाहर की ट्रिप निकालें, इसलिए मैंने भी बाहर जाने की बजाय सबसे जो ज़्यादा चुनाव किया वो अपने भारत का किया है, सबसे पहले 12 ज्योतिर्लिंगों वगैरह को लेके। और मुझे आपसे मिलके बहुत बहुत अच्छा लगा डियर, ठीक है। और ये भाई का चैनल है, इस पे ये इंस्टाग्राम पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, दो जगह पे हो आप, है ना। तो इनको कोई भी भाई, नंबर लिखे हुए हैं आपके इनके? अच्छा अच्छा, पीछे नंबर है आपके, तो ये पीछे इनके, ये देखिए, ये इनका सारा सामान है पूरी, ये देखिए, ये इनके फोन नंबर है, या किसी तरीके का कोई भी भाई अगर इनको ट्रैवलिंग से प्रेम करने वाला व्यक्ति है तो वो इन्हें किसी तरीके का सहयोग चाहे तो कर सकता है।
ये इनके नंबर है, आप इन भाइयों से बात भी कर सकते हो। जो स्कैनर आप देख रहे हैं ना, स्कैनर हमने भी नहीं लगाया यहीं पे, मतलब 2-4 किलोमीटर आगे भाई ने हमने ये लगा के दिए, ये लगा लो। अच्छा अच्छा, कल ही लगाया हुआ है। हाँ, ये देखिए इस तरीके का भाई, जरूरी नहीं है कि हर तरह के लोग होते हैं जो खुद यात्रा ही नहीं कर सकते, लेकिन यात्राओं को करने वाले ऐसे भाइयों को वो सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपको कोई धन वगैरह की कोई समस्या है तो आप इस तरीके से अपना स्कैनर या फोन नंबर करके चलिए, तो कोई ना कोई भला व्यक्ति मिल जाता है आपको जो आपकी हेल्प करता है किसी तरीके से। तो ये है, और ये सामान क्या क्या है आपके पास? इंसान को जीने के लिए चाहिए वो चीज है, मतलब हमारे पास बस एक पानी साथ में नहीं रहता और लाइट नहीं रहता, बाकी ये हर एक चीज है, मतलब सोने का, और हमारे पास टेंट भी है, खाना बनाने का भी सिस्टम है, मतलब हर एक चीज है। वो इंसान हम तो चाहे तो मतलब बस एक अपने को बस एक लाइट की जरूरत पड़ती है, पानी की, बाकी सब है जो इंसान को जीने के लिए चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है, दो जी सम एक जान है, एक यूनिट हो, और यूनिट हो कई बार काम चलता है, नहीं तो अकेला ट्रैवलर को थोड़ा दिक्कत होती है। कभी भी आज भी चले तो दो में ही चलना चाहिए, ग्रुप में ही चलना चाहिए, ठीक है ना। राहुल बहुत अच्छा लगा डियर आपसे मिलके, और अक्षय आपसे भी मिलके, ठीक है ना। कीप कंटिन्यू दिस, इसे कीप गोइंग ऑन, जारी रखो भाई, ठीक है ना। हम खुद भी इस चीज को प्रमोट करते हैं, और आपका हमने व्लॉग इसी मकसद से बनाया है ताकि मतलब प्रमोट हो सके ये चीज साइकिल वाला, क्योंकि अभी कॉन्सेप्ट ये चला है, ठीक है ना, बट लोग अभी भी ढंग से कंफर्टेबल नहीं है, डर लगता है कि चलो भाई बाइक पे ठीक है, कार पे ठीक है, अरे सो समस्याएं आती हैं। तो आपके एक्सपीरियंस से यही निकला है ओवरऑल, एट द एंड ऑफ द डे कि भी कोई भी व्यक्ति बार बार ना सोचे, बस सोचे और निकल ले, है ना। ठीक है ठीक है, थैंक यू।